नमस्कार दर्शकों, मैं उर्मिल पवार स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम ये भी है खबर में। दोस्तों, हर बार हम इस प्रोग्राम के जरिए एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आते हैं जो हर खबर से ज़रा हटके हो। आज भी हम आपके सामने कुछ ऐसी ही खबरें लेकर आए हैं जो ज़रा हटके हैं और कुछ निराली भी। दोस्तों, किसी भी चीज़ को हूबहू कागज़ पर उतार देने की कला अक्सर कलाकारी यानी कि पेंटिंग कहलाती है, और ये कला हर किसी में नहीं होती। इस कला को निखारने में मेहनत और शिद्दत लगती है, और उसी मेहनत के साथ अपनी कला को निखारना ही इंसान से कुछ हटके करवाती है। आपने अक्सर किसी पेंटर को अपनी पेंटिंग को कागज पर उतारते देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे एक मंझा हुआ कलाकार अपनी कलाकारी से हर किसी का मन मोह लेता है। उसकी बनाई हुई कलाकृति मन को मोह लेती है, फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एक कलाकार पूरी कायनात को अपने ब्रश के रंगों में समेटकर अपने कागज में उतार लेता है। प्रकृति की सुंदरता हो या किसी इंसान का चेहरा, एक कलाकार बड़ी आसानी से उसकी खूबसूरती को हूबहू दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि एक कलाकार अपनी कलाकारी से कुछ भी कर सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड की खूबसूरती को कागज पर उतार सकता है। पर दोस्तों, ये कला भी किसी किसी में होती है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो महज 22 साल की उम्र में कलाकारी में महारत हासिल कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आपने एक छोटी सी लड़की को देखा, दिखने में मासूम, लेकिन अगर हम आपको इसकी कलाकारी और इसकी प्रतिभा से रूबरू करवाएंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे और ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि एक छोटी सी लड़की में भला इतना हुनर कैसे भरा हुआ है। बचपन से ही आड़ी तिरछी तस्वीरों को बनाकर उनमें रंग भरने की कला ने ऐसा जुनून भर दिया कि आज उसकी किस्से मशहूर है। बचपन से ही यहाँ वहाँ लकीर खींचने वाली गुड़िया कब बड़ी बड़ी हस्तियों की तस्वीर बनाने लगी, खुद उसको जन्म देने वाली माँ को ही पता नहीं चला। जी हाँ, वो नन्ही सी गुड़िया यही तो है, नेहा। पिता ASI और माँ गृहिणी, लेकिन नेहा एक अच्छी पेंटर बन गई। पेंटिंग बनाना, उनमें रंग भरना पहले नेहा का शौक था, और शौक कब आदत बन गई, आदत कब जुनून बन गया, ये देख हर वो शख्स हैरत में पड़ जाता है जो नेहा की बनाई हुई तस्वीर को देखता है। दोस्तों, हैरत तो होगी ही, क्योंकि नेहा की उम्र महज 22 साल है। वो रोहतक की रहने वाली है और उसके पिता पुलिस अधिकारी हैं और माँ गृहिणी हैं। ऐसे में नेहा का इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाना हैरत में डालता है। लेकिन दोस्तों, नेहा जब बचपन में तस्वीरें बनाया करती थी तो नेहा की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसे समय की बर्बादी समझती थी।
नेहा उम्र महज 22 साल, बचपन से ही पेंटिंग का शौक। लेकिन नेहा की माँ को नेहा का इस तरह से रंगों में अपना समय बिताना अच्छा नहीं लगता। नेहा पेंटिंग बनाती तो माँ कभी जला देती तो कभी फाड़ देती, पर नेहा आगे बढ़ती थी। नेहा बार बार बनाती और माँ बार बार कभी जलाती तो कभी फाड़ती। लेकिन नेहा की माँ को बेटी के इस हुनर का एहसास तब हुआ जब नेहा ने बड़ी बड़ी हस्तियों की तस्वीर को हूबहू कागज पर उतारा और वो तस्वीरें उन्हें भेंट की। कहते हैं कि हुनर किसी भी पाबंदी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि इस वक्त इस हुनर के काबिल हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी उम्र महज 22 साल है। नेहा नाम है उसका और नेहा ही आपको बताएंगे कि किस तरह से जब उनके अंदर की कला बाहर आई तो पीएम मोदी ने भी उनके हुनर को सलाम किया। आखिर कैसे, ये हम नहीं बल्कि नेहा आपको खुद बताएगी। मैं जब छोटी थी तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे तो और डांसिंग म्यूज़िक का ज़्यादा शौक़ नहीं था, तो स्कूल में जब ड्राइंग का वर्क मिलता था तो करना अच्छा लगता था, वही करती थी। फिर मम्मी वो फाड़ देती थी, जला देती थी। सुना आपने, नेहा बचपन में जब पेंटिंग करती थी तो उसकी माँ उसे जला देती थी, फाड़ देती थी। लेकिन नेहा बिना रुके ही आगे बढ़ती रही। वही होता है जब स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है सर पे तो नहीं हैंडल हो पाता, तो उसे कहीं निकालना होता है, तो वो मैंने पेंटिंग्स में ही निकाला। सुना दोस्तों, नेहा का कहना है कि जब किसी इंसान पर किसी चीज़ का प्रेशर हो जाता है तो वो अपने अंदर की भावना कहीं ना कहीं निकालता है, और उसी तरह से नेहा ने अपने अंदर की भावनाओं को पेंटिंग पर निकाला। बचपन की भावनाएं नेहा पेंटिंग पर निकालती थी, लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके ही पड़ोस में पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी। फिर नेहा ने अपनी कला को वहां और निखारा। धीरे धीरे फिर पेंटिंग अच्छी होती गई, स्कूल वाले मुझे लेके जाने लगे, पर ऑयल पेंटिंग मेनली मैंने अपने सर से सीखी, जय सर। उन्होंने हमारी कॉलोनी में एक सेंटर खोला था, वहाँ गए शुरू में, तो एक महीने में मेरी अच्छी हो गई। फिर जब भी जरूरत पड़ती उनसे हेल्प लेने चली जाती थी। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, नेहा पढ़ाई तो आंकड़ों की कर रही है लेकिन उसे शौक पेंटिंग के जरिए अपनी भावनाओं को कागज पर उतार लिखा है। दोस्तों, नेहा की माँ ने नेहा को चाहे उसे रंगों के साथ खेलने से रोका हो, लेकिन नेहा ने अपनी माँ की भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा। जरा देखिए, ये है नेहा की बनाई हुई तस्वीर। ये तस्वीर नेहा के नाना की है। ये तस्वीरें नेहा की सबसे पहली पेंटिंग है। नेहा ने ये पेंटिंग इसलिए बनाई क्योंकि नेहा की माँ को उनके नाना से काफी लगाव था। सबसे पहले पेंटिंग मेरी मम्मा का मेरे नाना जी से बहुत ज्यादा लगाव था, तो और उनके पास उनकी कोई याद नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने अपने नाना जी की बनाई थी। नेहा ने पीएम मोदी की तस्वीर बनाई और उन्हें भेंट की, जिसके लिए नेहा को पीएम की तरफ से धन्यवाद लेटर भी आया। लेकिन दोस्तों, खबर फास्ट की टीम ने जब नेहा से पूछा कि वो अपने ही जैसे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती है, तो उसका जवाब युवाओं के लिए काबिले तारीफ था। आप मुझे ये बताइए, अब जीवन में आप क्या बनना चाहती हैं और अपने जैसी और छात्राओं को या फिर छात्रों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स हमें बहुत भला करते हैं, वो हमारे लिए जो भी सोचते हैं अच्छे के लिए सोचते हैं। मेरी मम्मी भी यही सोचती थी कि सिर्फ पढ़कर ही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, उनकी सुनो पर वो भी करो जो तुम चाहते हो, पर वो काम मत करो जो उन्हें हर्ट करे। नेहा ने क्या कहा दोस्तों, ये आपने सुना। नेहा की माँ अक्सर उसे पेंटिंग बनाने पर डांटा करती थी, उसकी बनाई पेंटिंग फाड़ दिया करती थी। फिर भी नेहा यही कह रही है कि माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं। और जब खबरफास की टीम ने नेहा के बाद जब उसकी माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो कहा
वो भी हैरान ही कर देने वाला था। मुझे बहुत गुस्सा ये आता था क्योंकि ये मुझे लगता था कि ये पेंटिंग में करे कई कार्टून बना लिया, हर पेज पे इसका अलग अलग कार्टून होता था, तो मुझे लगता था कि शायद इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये स्टडी नहीं कर पाएगी ढंग से। लेकिन फिर देखा जब डॉक्टर अब्दुल कलाम की भेजी या मेरे फादर की बनाई, इसने फर्स्ट पेंटिंग ऑयल पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे ये लगा कि पढ़ाई में तो टॉपर है ही, साथ में इसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, क्यों नहीं इसको मौका दिया जाए ताकि ये अपनी प्रतिभा निखार सके। तो देखा दोस्तों, नेहा ने तो अपनी माँ की सोच ही बदल दी। अब उनका कहना है कि नेहा जो चाहे करे वो उसे सपोर्ट करेंगे। साथ ही नेहा की माँ ने ये भी बताया कि बचपन में वो कैसे नेहा को रोकना चाहती थी। दोस्तों अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।